हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इन दिस सेशन आई विल कवर व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, व्हाट इज इंटरनल स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ आयरन स्टील माइक्रोस्ट्रक्चर्स, लाइव हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड कैरियर ओरिएंटेशन स्पीचेस। इन बिटवीन दिस सेशन आई विल मोटिवेट यू फॉर बिल्डिंग योर करियर। सो लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। अगर आपको स्मार्ट स्किल डेवलप करके करियर में ग्रो करना है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर, कैंडिडेट कैन बिल्ड अप हिज स्मार्ट स्किल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू एंड कैन गेट ए गुड जॉब इन गुड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए कम्बिनेशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन ए मेटल और एलॉय इन द सॉलिड स्टेट सो एज टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर माइक्रोस्ट्रक्चर एंड हैंस द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस इन मेटल पार्ट्स बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर चेंजेस द माइक्रोस्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इफ वी हीट द स्टील पार्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर देन इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर गेट डिस्टर्ब और चेंजेस। हेयर पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन मशीनिंग फोर्जिंग रोलिंग और वेल्डिंग। सेकेंड, इम्प्रूव और रिस्टोर डक्टिलिटी एंड टफनेस। थर्ड वन, एनहांस मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील पार्ट्स। फोर्थ वन, एलिमिनेट टेक्निकल नॉन यूनिफॉर्मिटी क्रिएटेड ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। फिफ्थ वन, रिफ्रेन ग्रेन साइज। सिक्स्थ वन, रिड्यूस द गैसियस कंटेंट्स इन स्टील। हेयर सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दैट इम्प्रूव ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हार्डनेस ब्रिटलनेस टफनेस डक्टिलिटी स्ट्रेंथ मैलिएबिलिटी एंड रेजिलेंस। फ्रेंड्स, आफ्टर फोर्जिंग वेल्डिंग एंड मशीनिंग प्रोसेस स्टील पार्ट गेट चेंजेस इन इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड दैट डिस्टर्ब द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। एज आई मेंशन्ड हेयर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सो फॉर इम्प्रूवमेंट इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड रिमूविंग इंटरनल स्ट्रेसेस द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज टू बी डन। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच मेटल गेट हीटेड एंड इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस। क्रिटिकल टेम्परेचर इज जस्ट बिलो द मोल्टन टेम्परेचर ऑफ मेटल। सो क्रिटिकल टेम्परेचर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन, लोअर टेम्परेचर हैविंग रेंज 650 डिग्री सेल्सियस टू 723 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड वन, अपर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस टू 930 डिग्री सेल्सियस। सो व्हेन हीटेड द स्टील एट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हैविंग रेंज 800 डिग्री सेल्सियस टू 930 डिग्री सेल्सियस, इट्स स्ट्रक्चर इज चेंजेस, मीन्स माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज चेंजेस। नाउ नेक्स्ट लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन, एनिलिंग एंड आइसो एनिलिंग। सेकेंड, नॉर्मलाइजिंग। थर्ड, क्विंचिंग और हार्डनिंग। फोर्थ, टेम्परिंग। फिफ्थ, सरफेस हार्डनिंग। सिक्स्थ वन, केस हार्डनिंग। सेवन्थ वन, ऑस टेम्परिंग। एट्थ वन, मार्कुंचिंग। नाइन्थ, ऑस फॉर्मिंग। इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन फोर टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट
एनीलिंग एंड आइसो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग और हार्डनिंग, एंड फोर्थ वन टेम्परिंग. सो लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो. फर्स्ट वन, व्हाट इज एनीलिंग? एनीलिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग द मटेरियल टू ए प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर दैट इज 930 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस एंड होल्ड द मटेरियल एट द टेम्परेचर एंड कूल द मटेरियल टू द रूम टेम्परेचर स्लोली एंड दस दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ द मटेरियल एट द एलिवेटेड और प्री डिटरमाइंड. सेकेंड, होल्डिंग द मटेरियल सोकिंग एट द टेम्परेचर फॉर लॉन्गर टाइम दिस मटेरियल फॉर सोकिंग टू बी होल्ड इन साइड द फर्नेस. थर्ड वन, वेरी स्लोली कूलिंग द मटेरियल टू द रूम टेम्परेचर. द कूलिंग ऑफ द ग्रेजुअली स्लो टू द रूम टेम्परेचर. आफ्टर फोर्जिंग प्रोसेस मेटल पार्ट्स माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस इट कांट बी अलाउड टू मशीनिंग ऑपरेशन विदाउट हीट ट्रीटमेंट बिकॉज बिफोर एनीलिंग मटीरियल इज हार्ड इट्स नॉट ईजी टू बेंड. आफ्टर एनीलिंग मटीरियल इंड्यूस इट्स डक्टिलिटी नेचर एंड इट कैन बी ईजिली बेंड एज शोन इन पिक्चर. दिस इज द एनील्ड मेटल. Now let discuss about ISO annealing is the reheating process at 630 plus minus 10 degree Celsius temperature for restore the original microstructure of metal parts with required hardness. In ISO annealing, material is to be reheat after annealing at 930 degree Celsius for maintain its hardness and ductility nature. Annealing remove internal stresses of metal parts. Now let's talk about stresses. Internal stresses are those stresses which can exist within a body in the absence of external forces. These are also known as residual stresses or locked in stresses. So these internal stresses are also called locked in stresses. These stresses are developed in operations like solidification of casting, welding, machining, grinding, surface hammering, cold working, case hardening, electroplated coatings, precipitation and phase transformation. So friends, these are some operations that induces internal stresses in metal steels. These internal stresses under certain conditions can have adverse effects. Example, steel with residual stresses under corrosive environment fail with stress corrosion crack. Due to internal stresses, the crack problem can be generate during machining operation or we can say during forging operation. Next one, fatigue strength is reduced considerably when residual tensile stresses are present in steel. Next one, the problems associated with internal stresses are more difficult in brittle materials than in ductile materials. Quality problems and brittleness of metal steels. Due to brittle nature, it having lot of quality problems. After annealing process, ductility is created in the metal steels that oppose the quality problems. This is the structure of part. This is the disturbed due to forging process. It leads cracking on surface. Now let's discuss about normalizing. It is a type of heat treatment applicable to ferrous metals only. It differs from annealing in that the metal is heated to a 910 plus minus 10 degree Celsius higher temperature and then removed from the furnace for air cooling. So this is the main difference between annealing. The soaking is inside the furnace during annealing process. In normalizing, soaking is in air cooling. Out of the furnace.
द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय हीट ट्रीटिंग वेल्डिंग कास्टिंग फोर्जिंग फॉर्मिंग और मशीनिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर फोर्जिंग एट हाई टेम्परेचर स्पेशली विद वर्क पीस दैट वेरी वाइडली इन क्रॉस सेक्शनल साइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रेट्स ऑफ कूलिंग फ्रॉम द फोर्जिंग टेम्परेचर ए हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेंड दैट कैन बी मेड यूनिफॉर्मिटी बाय नॉर्मलाइजिंग. नॉर्मलाइजिंग इज ऑल्सो डन टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ लो कार्बन स्टील्स. सो फ्रेंड्स बाय डूइंग नॉर्मलाइजिंग वी कैन गेट यूनिफॉर्म माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ स्टील्स एंड इट्स मशीनेबिलिटी इज इंक्रीज एंड डक्टिलिटी नेचर इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्परिंग. टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एक्सेस हार्डनिंग एंड ब्रिटलनेस ऑफ मेटल दैट अकर्ड ड्यू टू क्विंचिंग आफ्टर हीटिंग एट रीस्ट क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. So friends, when after heating the material at 930 degree Celsius, the material get quenched in water or oil. These are quenching media. After quenching, material get rapidly hard and become brittle in nature. Due to brittleness, it cannot afford the impact. So reducing hardness as desire and brittleness tempering process is to be done. Friends, if you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center Hub of Knowledge Mac. This is our advanced documentation training course template. Here we cover all topics with practical and theoretical. And more other technical topics will be covered that will be out of this template. Friends, we are providing live classes online and offline. Friends, if you watching ready-made paid videos, then no use for it because by watching ready-made paid video, doubts are not clear. So don't waste time and money. So please join our live classes online as well as offline. The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. They are removing the heated material through conveyor from the furnace. This is the heated material. This material heated at 920 degree Celsius temperature during heat treatment process. Now this is unloading for normalizing process. Here this is the quenching media. This is the water including polymer. So this is known as brain means quenching media. Second one quenching media will be oil. This is the temperature controller for control the furnace temperature during annealing process. Material is pushed inside the furnace for heating process. Remove the material from furnace after annealing process. Different types of microstructure in iron steels that are changes and transform during heat treatment process. First ferrite and perlite, third one austenite, fourth one martensite, and next delta ferrite, next ferrite, next one cementite, and next bainite. Ferrite and perlite, when heating the steel up to 724 degree Celsius, it convert in ferrite and perlite form. This form of steel is known as alpha iron. Austenite, when heating the steel up to 910 degree Celsius, it convert in ferrite and austenite form. This here we get softness and ductility nature of steel. If we need ductility and softness of steel parts, we have to heat up the material up to austenite temperature.
नेक्स्ट मर्टेंसाइट व्हेन हीटिंग द स्टील अप टू 930 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्ट इन मर्टेंसाइट एंड बिकम हार्ड एंड ब्रिटल. सो रिड्यूसिंग द एक्सेस हार्डनेस एंड क्रिएट डक्टिलिटी इन नेचर वी रिक्वायर्ड टेम्परिंग प्रोसेस. फ्रेंड्स इफ यू ज्वाइन आवर कंप्लीट एडवांस ट्रेनिंग कोर्स एज शोन इन टेम्पलेट देन जॉब गारंटी इज 100% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स. If any guys interested can contact on the number given on screen.